वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम इन अदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईसीएमआर जेआरएफ 2023 के एंट्रेंस एग्जाम के डेट को लेकर के। तो होपफुली कि आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा, और जैसा कि ऑलरेडी पहले ही वीडियो में बताया था कि बेसिकली इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो आपकी 18 जून थी। तो अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा तो अच्छी है, और अगर आपने नहीं फिल किया है तो फिर आपने मिस कर दिया, क्योंकि इसका फॉर्म का जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं होगा किसी भी केस में, जैसा कि पहले से ही ने ब्रोशर में लिख रखा था। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि इनका स्टार्टिंग का जो डेट था वो 20 मई से इन्होंने फॉर्म फिल स्टार्ट किया था और 18 जून तक का लास्ट डेट था। यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है नॉट टू बी एक्सटेंडेड इन एनी केस, किसी भी केस में इस फॉर्म का लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। सो डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये 8-7 मीन्स जुलाई में 8 तारीख को आपका ये एग्ज़ाम होगा और ये 9 से लेकर के 11 दो घंटे का पूरा ये पेपर रहेगा। और जैसा कि आपको पता है कि आईसीएमआर का जो जेआरएफ होता है वो दो कैटेगरी में जेआरएफ देता है, एक तो पहला आपका साइंस में, दूसरा आपका सोशल साइंस में। तो टोटल 150 जेआरएफ होते हैं टोटल इस आईसीएमआर में, जिसमें से आपका 120 जो होगा वो दिया जाएगा किसको, दैट इज़ द लाइफ साइंस के स्टूडेंट को, और 30 जो होते हैं वो दिया जाता है किसको, सोशल साइंस के स्टूडेंट को, राइट। सो आईसीएमआर का जेआरएफ अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, आप अपना रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। आज 21 हो गया है और 8 को आपका एग्ज़ाम ही है, तो हार्डली आपके पास 15 दिन का समय बचा हुआ है। सो जो इनका पैटर्न है, आपने प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व किए हैं तो उससे आपको आइडिया लग चुका होगा, और आप उसके बेसिस पर अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। सो आपने यहाँ पे देखा कि बेसिकली 8 तारीख को, मीन्स 8 जुलाई को इस आईसीएमआर जेआरएफ का क्या होगा, एग्ज़ाम होगा, और उसके लिए समय आपके पास अब कम बचे हैं, तो आप आसानी से और क्विकली स्ट्रेटजी बना करके अपने प्रिपरेशंस को थोड़ा सा फोकस और शेप दे दीजिए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपके आईसीएमआर जेआरएफ प्रिपरेशंस के जर्नी में कहीं पे भी कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही हो, लाइक एज मटेरियल के सिलेक्शन को लेकर के, कौन से टॉपिक को रिवीजन मतलब पढ़ना है, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इन सब चीज़ को लेकर के अगर आपकी प्रॉब्लम है सो आपका मोस्ट वेलकम है, आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को, आईसीएमआर के जेआरएफ की प्रिपरेशन की प्रॉब्लम को आप उसमें पूछ सकते हैं, आपको पॉसिबल सजेशन एमएस बायोलॉजी की तरफ से दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।